समाजवादी पार्टी की रैली में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गईं तो प्रयागराज से लेकर राजस्थान के भरतपुर में मकर संक्रांति पर भीड़ कोरोना को मुंह चढ़ाते हुए दिखाई दी। जिस समय देश में 2.5 लाख कोरोना के केसेस हर रोज आ रहे हैं, ऐसे में आस्था के नाम पर यह बड़ा खिलवाड़ है। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में भी लोगों को ऐसा रैला दिखाई दिया कि यहां कोरोना का महाविस्फोट का खतरा मंडराना शुरू हो गया। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़, कोरोना बाद में पहले संगम में आस्था की डुबकी, जिसका डर था वही हो रहा है। ये यूपी के प्रयागराज में संगम की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज मकर संक्रांति का स्नान, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना अपनी फुल स्पीड में चल रहा है। हालांकि संगम तट पर पुलिस को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन जब भीड़ का इतना बड़ा संगम हो तो कैसी कोरोना गाइडलाइंस, लोगों के चेहरों पर मास्क तक नहीं है। मकर संक्रांति को तिल का दान देते हैं, खिचड़ी का दान देते हैं, वस्त्र का दान देते हैं, सबको आयु दान दे और निरोग रखे। मास्क सब भी लगाए थे, भी निकाल लिए हैं। डर नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, क्या डर लग रहा है, कोरोना इतना डर नहीं भी कहाँ आया है। यहाँ पर यूपी में इतना कोई परेशानी नहीं है विशेष। अच्छा, तो दुनिया में जो इतना फैल रहा है मामला? अरे दुनिया मामला फैल ही रहा है, दिक्कत है सब है। आपको डर नहीं है? नहीं, डर तो है ही है, लेकिन इतनी ज्यादा डर नहीं है। मैं लगभग मास्क लगा के उचित दूरी बना के कोविड का पालन हो रहा है, जिससे हम भी सुरक्षित रहें, लोग भी सुरक्षित रहें। जिससे ये दूरियां जब बनी रहेंगी तो ओमिक्रॉन का जो नया वेरियंट आया है, इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इस बार मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी दो दिन मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है, एक साथ इतने लोगों का झुकना खतरे से खाली नहीं है। जबकि संगम पर तैनात कुछ पुलिस वाले पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु आके माघ मेला क्षेत्र में बने विभिन्न 24 घाटों पर स्नान कर रहे हैं। इनका सुगम आवागमन हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो श्रद्धालु आए वो आराम से स्नान घाट तक पहुंच जाएं। कोविड को दृष्टिगत रखते हुए जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इसके माध्यम से हम श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो मास्क अवश्य धारण करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना नियमों की धज्जियां, मकर संक्रांति पर मंदिरों में जुटी भयंकर भीड़, और यह राजस्थान के भरतपुर में कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियों की तस्वीरें। मकर संक्रांति पर मंदिरों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई। ये देखिए कैसे मंदिरों में दान देने वाले और दान लेने वाले भी बिना मास्क के दिख रहे। हम आपको बता दें कि भरतपुर में रोजाना कोरोना के 500 के करीब केस आ रहे हैं। इतनी गाइडलाइंस दी जाती है, उसके लिए व्यवस्था की जाती है, तो भैरी जी के मंदिर पर क्यों नहीं की जा रही है? क्यों यूँ लूटपाट हो रही है? क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? कितने लोग घायल हो जाते हैं इन चीज चपट के? इसलिए यहाँ पे भी प्रशासन को व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे शांति से दर्शन हो। ना तो यहाँ प्रशासन का ध्यान, ना ही पुलिस का इंतजाम। तीसरी लहर में फुल स्पीड से फैलते कोरोना में ये तस्वीर वाकई भयावह है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़, गंगा सागर मेले में कोरोना के विस्फोट का खतरा। देश में कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच पश्चिम बंगाल की इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ जुटी है। बंगाल के सागर द्वीप में होने वाले गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, वो भी ऐसे वक्त जब बंगाल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। गुरुवार को बंगाल में 24 घंटे के दौरान 23,467 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 32.13% हो गया। फिर भी लोगों में ना कोई खौफ है, ना जान की परवाह। ममता बनर्जी ने गंगा सागर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की थी कि वो कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन कैसे कोरोना नियम, सब कुछ यहाँ ताक पर है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का रेला
गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहा है। आपने यूपी के प्रयागराज में भीड़ देखी, आपने राजस्थान के भरतपुर में भीड़ देखी, मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में आस्था का कुंभ देखा, लेकिन बिहार के बेगूसराय में भी मकर संक्रांति मनाई गई कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए। बेगूसराय में बढ़ते कोरोना के चलते गंगा घाट पर स्नान करने के लिए बिल्कुल भी भीड़ जुटने नहीं दी गई। और तो और, उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी गंगा घाटों पर कोविड के चलते श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने से रोका गया। आज तक